आईपीएल 2022 में सोमवार की शाम को कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच 47वां मुकाबला खेला जाना है। केकेआर के लिए आज का ये मुकाबला जीतना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उन्हें अंक तालिका में ऊपर की टीमों में जगह शुमार करनी होगी। लेकिन ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के अलावा फिरकी गेंदबाज सुनील नारायण के लिए भी खास है, क्योंकि आज वो इस मैच में अपने आईपीएल के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस मैच में सुनील नारायण अपने ऑलराउंडर खेल से आईपीएल इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। बता दें कि सुनील नारायण को इस मैच में अपने आईपीएल करियर के 1000 रन पूरे करने के लिए 19 रनों की दरकार है। 19 रन बनाते ही वो आईपीएल में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके अलावा वो आज 19 रन बना लेते हैं तो वो आईपीएल में 1000 रन और 150 विकेट लेने वाले आईपीएल इतिहास के दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। उनसे पहले ये कारनामा चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वेन ब्रावो कर चुके हैं। अगर आज इस मैच में सुनील नारायण अपने 19 रन पूरे कर लेते हैं तो वो आईपीएल इतिहास में एक ही फ्रेंचाइज के लिए 1000 रन और 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। उनसे पहले आईपीएल इतिहास में ऐसा कोई अन्य ऑलराउंडर नहीं कर पाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज खेले जाने वाले इस मुकाबले में क्या सुनील नारायण इतने बड़े रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा उनका प्रदर्शन दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी उन्हें 2 से 3 मैच और इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।